खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली, मैं अंश माथुर और इस समय दोपहर के 12 बज चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं खबरें फटाफट अंदाज में। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन हुआ सख्त, शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग, बेवजह घूमने वालों के चालान काटे गए। इसके साथ ही बाइक पर एक और कार में दो लोगों को बैठने की अनुमति है, इसका अनुपालन न करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। वहीं हेलमेट न पहनने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के पालनपुर से प्रवासी मजदूरों को लेकर बरेली पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। राधास्वामी सत्संग व्यास बहेड़ी ने खोले सेवा के लिए सत्संग भवन के द्वार। यहां पर हाईवे से गुजरने वाले प्रवासी भारतीयों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई। वहीं सत्संग भवन में रोजेदारों के लिए सारे इंतजाम किए गए। इबादत के पाक महीने रमजान में रोजेदारों ने शाम को नवाज अदा करके अपने रोजे का इफ्तार किया। सीबीगंज के कोरोना पॉजिटिव की देर रात IVRI से आई रिपोर्ट निगेटिव। सीवीगंज के ट्रक चालक के साथ परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट आई निगेटिव, स्वास्थ्य महकमे ने ली राहत की सांस। एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर ने कहा, कोरोना का प्रभाव जून और जुलाई में होगा चरम पर, जिसके मद्देनजर बरेली जिले के दो मेडिकल कॉलेज लेवल 3 के अस्पताल घोषित। आंवला में भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। बरेली जंक्शन पर बिथरी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने श्रमिकों को बांटे खाने के पैकेट। एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने किया मीडिया कर्मियों कोरोना योद्धाओं का सम्मान। इस मौके पर बसंत चतुर्वेदी जोनल सेक्रेटरी AIRF सेंट्रल अध्यक्ष नरमू मौजूद रहे। पूरा शहर कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन है, ऐसे में अगर आपकी दवाई या राशन की दुकान है और आप मदद करना चाहते हैं तो www.lockdownseva.in के जरिए फ्री में रजिस्टर करवा के लोगों को जरूरत की दवाइयां या राशन भिजवा सकते हैं। यही नहीं, ग्राहक भी www.lockdownseva.in से जरूरी सामान घर पर मंगवा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।